अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और एक और नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। तो जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि जब औलाद अपने बराबर की हो जाती है तो क्या वो ऐसा ही करती है, तो बिल्कुल ये टाइटल मैंने इसका बहुत सोच समझ के रखा है। क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिल को छू गई, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी दो दिन पहले मतलब 24 तारीख को हम लोगों की शादी की एनिवर्सरी होती है। तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा एक दिन पहले कि रूबी हम लोग केक ले आएँ, हमारी एनिवर्सरी है तो हम लोग केक काटेंगे। तो मैंने कहा अरे हमारी एनिवर्सरी है और हम ही लोग केक लेके आएँ। मैंने कहा छोड़िए हम लोग कल ले आएंगे। अच्छा, हमें कुछ भी अंदाज़ नहीं था कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े हो चुके हैं, इज़हान और आलिया, कि दोनों को पता था और दोनों ने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी और हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वो कहीं मार्केट जा रहा था तो ये कह के जा रहा था कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। वो केक का ऑर्डर देने गया, हम लोग के लिए गिफ्ट लेके आया। दोनों बच्चे जो है उन लोगों ने सारी प्लानिंग कर ली थी, रात में ही वो केक वेक सब ले आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था। और हम जो है रात को उस दिन हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे। पता नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं तो सो गई थी और ये भी सो गए थे। जहान पढ़ रहा था, वो थोड़ी देर तक जागा, लेकिन उसने देखा जब मम्मी डैडी दोनों सो गए तो उसने हमें रात को उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और जब सुबह हुई तो इज़हान एकदम से हड़बड़ा के उठा और उसने आलिया को उठाया और उसके बाद में कहने लगा अम्मा आप किचन में मत जाइएगा बस एक मिनट में। तो मैं थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा क्या हो गया इज़हान। वो आया और उसके हाथ में केक था और कैंडल जला के लेके आया वो, और ये देख के मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गई ना। और क्योंकि हम दोनों ही हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था कि सुबह सुबह हमें इतना खूबसूरत सा सरप्राइज़ मिलेगा। और मुझे उन्होंने बच्चों ने इतनी अच्छी हमारी सुबह बना दी ना, ये 17वीं एनिवर्सरी मुझे हमेशा याद रहेगी, जो बच्चों ने अकेले ही दोनों ने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया हमें। और केक भी इज़हान ने बिल्कुल जो मुझे पसंद है वही बनवाया था, और जो है डैडी को और मुझे दोनों को उन्होंने चॉकलेट दी जो हम लोगों को पसंद है। और जो है उसने मतलब पूरा इंतज़ाम कर रखा था उन बच्चों ने, जो है कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाया क्योंकि मुझे फैंटा पसंद है, तो फैंटा लेके आए थे। लेकिन अफसोस रात में हम लोग सो गए थे और केक रात को नहीं काट पाए थे, तो उन लोगों ने जो वो पटाखे वटाके जो वो ब्लास्ट करते हैं वो भी लेके आया था इज़हान, कि जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये देखिए उसका कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहरहाल बहुत ही अच्छा मतलब बेस्ट जो था वो है, वो था मेरे लिए। बच्चे इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं कि अब वो अकेले भी बहुत सी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और कुछ बच्चे देखिए वो बिगड़ भी जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं माँ बाप की। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की केयर बहुत करते हैं। और यहाँ पे जो है दोपहर हो गई थी तो मैंने कहा चलो आज मेरी एनिवर्सरी है, थोड़े ढंग के कपड़े पहनती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ढंग के ही पहनती हूँ, लेकिन मेरा दिल किया कुछ थोड़ा अच्छे से रंग का पहनूँ। और मैंने कहा आज मैं लिपस्टिक भी लगाऊँगी और काजल भी लगाऊँगी क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा सा अच्छे से बन के रहना चाह रही थी मैं। बच्चों का दूसरे दिन एग्ज़ाम था तो हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करना चाह रहे थे जिससे हमारे बच्चे डिस्टर्ब हों, और तो ना तो हम बच्चों को कहीं लेके जा सकते थे। अच्छा, बच्चों को छोड़ के हमारा दिल नहीं किया कि हम बच्चों को छोड़ के अपना एंजॉय करें। तो फिर मतलब थोड़ी देर के बाद कुछ हम लोगों ने डिसाइड भी किया कि हम लोग करें क्या। तो मेरे शौहर आए, वो कहने लगे आज एनिवर्सरी है तो कुछ तो थोड़ा बहुत बताओ। तो बच्चे कहने लगे आज हमारी तरफ से आप डिनर करेंगे, लेकिन फिर हमने मना कर दिया। हमने कहा तुम लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, अब डिनर अगर कराना भी होगा तो हम खुद करा देंगे। तो बहरहाल वहाँ पे डिसाइड हुआ कि अब हम लोग खाना लेके आएंगे, क्योंकि अगर लेके जाते बच्चों को तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता, तो इसलिए हम लोग जो हैं वो खाना, ये तय हुआ कि हम लोग जो है खाना लेके आएंगे बाहर से। एनिवर्सरी हमारी और सुबह से खाई ये लोग पड़ेंगे। बहुत सही, थैंक यू। अरे हमने इस चीज का कोर्स ले रखा है सर। काहे का खाए छुप के केक या कोई भी चीज फ्रिज में से खाने का इन लोगों ने कोर्स ले रखा है ना। जी जी, वो मैंने MBBS कर रखी है, BBC करी है। चलो, वैसे काफी अच्छा केक दिया है तुम लोगों ने, काफी अच्छा सरप्राइज दिया है तुम लोगों ने। थैंक यू सो मच। तुम भी अपना हुलिया जरा सही कर लो। नहीं मैं ठीक ही हूँ।
हाँ सही बात है, आज तो हमारी एनिवर्सरी है तो हमको अच्छे से तैयार होना, इसीलिए आज मैंने लिपस्टिक लगा ली, थोड़ी सी हल्की सी, वैसे कभी भी लगाती नहीं हूँ तो आज मैंने लगा ली लिपस्टिक। ठीक है आज हमारा दिन है तो आज लिपस्टिक भी लगानी चाहिए। मेरा दिन कब आएगा, मतलब मेरा बर्थडे कब आएगा। चल। अच्छा दोपहर में हम लोगों ने खाना नहीं खाया, इजहान जो था वो हम लोगों के लिए समोसे ले आया था, और क्योंकि मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और ठंड में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही जा रहे थे खाना लेने के लिए, और मैं तैयार होके जा रही थी, मैंने सोचा था वहाँ जाके थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खिंचा लेंगे, लेकिन हम लोग 1 घंटा तो जाम में फंसे रहे। खैर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ पहुँचने के बाद में हम लोग ने ऑर्डर दिया कि क्या क्या चीज़ हमें पैक करानी है, तो फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो थोड़ी सी हमने कहा लाओ फ़ोटो खींच लें या वीडियो बना लें, तो जब बैठे हुए थे तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कुछ लेंगे, तो जब खाली बैठे थे तो हम लोगों ने 1-1 कप चाय मंगा ली, क्योंकि ठंडक हो रही थी बहुत ज़्यादा, और चाय भी बहुत बढ़िया थी, कलर भी चाय का बहुत अच्छा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो बस खाना, उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर खाना लेके, और करीब हम लोग आए हैं 8:30 के करीब आए, आके हम लोगों ने पहले तो नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर बच्चों ने जो है वो खाना खाया, बच्चों ने क्या, पहले आलिया को भूख लगती है तो मैंने आलिया को पहले खाना दे दिया था निकाल के, मैंने कहा 8:30-9 बज रहा है, क्योंकि जो है हम लोग को अभी नमाज़ पढ़ने में टाइम लगता, तो इसलिए आलिया को पहले दे दिया था। और एक चीज़ हम बच्चों की पसंद की लेके आए, एक चीज़ हम मतलब जो मुझे पसंद है वो लेके आई मैं, और आलिया को रोटियां बाहर की बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं रोटियां भी लेके आई। अच्छा नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने, मुझे भूख लग रही थी तो हम लोग जफ़र भाई का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाएं तो खाना खाएं, तो उसी बीच फिर मैंने कहा चलो जब केक है तो मैं खा लेती हूँ, यहाँ पे मैं खा रही थी केक, और बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल वाला केक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पाइनएप्पल के जो पीस आते हैं वो बड़े बढ़िया लगते हैं मुझे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और आलिया यहाँ पे बैठ के खाना खा रही थी और कह रही थी अम्मा रोटी भी बहुत अच्छी है और सालन भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाना यहाँ मैंने लगा दिया था, और खाने में हम लोग लेके आए थे रोस्टेड, जो मलाई वाला रोस्टेड होता है, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था बहुत दिन से खाने का। और एक हम लोग लेके आए थे हैदराबादी चिकन, वो भी बहुत बढ़िया था। तो बस इस तरीके से हमारी ये एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो गया जो भी है घर में, और सबसे अच्छी चीज़ तो हमारे बच्चों की थी, जिन्होंने हमें काफ़ी स्पेशल फील कराया और पूरा दिन हमारे लिए हमारे आगे पीछे ही घूमते रहे कि अम्मा आपको ये ला दूँ या आप लोग ये खाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और अल्लाह पाक सबके बच्चों को ऐसा ही रखे, और जो है सबके बच्चों की तंदुरुस्ती रखे, उन्हें बहुत नेक बनाए, और दीन और दुनिया दोनों में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। अपने बच्चों के लिए हम यही दुआ कर सकते हैं, और सबके बच्चों के लिए भी अल्लाह पाक, मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि बहुत नेक हों बच्चे। बस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।